अगर तुहानू डायबिटीज़ है तो तुसी अपनी डाइट एंड लाइफस्टाइल नू ठीक कर रहे हो, अपना खाना पीना सुधार रहे हो ताकि तुसी डायबिटीज़ नू रिवर्स कर सको या डायबिटीज़ एक बेहतर हो सको, तो ये वीडियो तुहाडे वास्ते है। क्योंकि इस दे विच एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जिदे बारे ज़्यादातर लोगों नू पता नहीं है, मैं उसका जिक्र करन वाला हाँ जिदे नाल डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ सकता है या फिर घटाया जा सकता है। सो लेट अस टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज़ स्लीप, यानी कि तुसी किन्नी नींद लेंदे हो। अकॉर्डिंग टू अ लेटेस्ट स्टडी जो कि 2023 विच ही 5000 लोगों के उत्ते की गई, जिस दे विच दो ग्रुप्स बना ले गए, एक ओ ग्रुप जिदे विच लोकी सिर्फ 5 घंटे सुनते सी, एक ओ ग्रुप जिदे विच लोकी 12-12 घंटे सुनते सी, और एक ओ ग्रुप जिदे विच लोकी 8 घंटे सुनते सी। ते की देखा गया कि जेड़े लोकी 5 घंटे सोंदे सी या जेड़े लोकी 12 घंटे सोंदे सी, उना दे विच डायबिटीज़ दी रिस्क 3 गुना ज़्यादा सीगी कंपेयर टू ओ लोकी जो सिर्फ 8 घंटे सोंदे सी। तो तुसी आप सोचो कि अब खाना पीना सेम रखिए, बाकी चीज़ा सब कुछ सेम रहन, पर असी अगर घट सोईए बहुत वध सोईए तां भी डायबिटीज़ दा रिस्क वध जांदा हैगा। तो दैट मीनस कि अगर तुसी 8 घंटे के आसपास सोवो तो डायबिटीज़ के रिस्क को थोड़ा घटाया जा सकता है। तो डाइट तो इंपॉर्टेंट है ही, एक्सरसाइज तो इंपॉर्टेंट है ही, पर सानू प्रॉपरली नींद लेना भी बहुत जरूरी है। सो घट्टो घट 6 घंटे तो लैके ऑन एन एवरेज 9 घंटे तक किसी की नींद होनी चाहिए है। 6 घंटे तो नींद घट लेना या 9 घंटे तो वध लेना, ये नाल भी रिस्क ऑफ डायबिटीज़ के अदर बीमारियाँ वध सकती ने। वह कारण यह है कि साड़ी बॉडी वास्ते स्लीप बहुत जरूरी है, वो साड़ी बॉडी में रिपेयर होंदा है। जब असी सो जाते हैं साड़ी बॉडी के हॉर्मोनल फंक्शंस इंप्रूव करते हैं, बॉडी का एलिमिनेशन सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन कर पाता है, और इंसुलिन भी एक हॉर्मोन है। तो हॉर्मोन के बैलेंस को बनाने वास्ते सानू अपनी बॉडी की रिदम, बॉडी क्लॉक जिन्हों आज साइंटिस्ट सिरकेडियन रिदम करके भी कहते हैं, इन्हों भी सुधारण की लोड़ है, और उदे वास्ते एक प्रॉपर नींद लेना बहुत जरूरी है। तो डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक्सरसाइज के नाल नाल स्लीप लेना डायबिटीज़ रिवर्सल में बहुत जरूरी हो जाता है। और इसीलिए जब साडे कोल कोई क्लाइंट आता है डायबिटीज़ में रिवर्स कराने वास्ते, तो उस तो असं ये सारिया चीज़ों बारे पूछते हैं कि तुहाडी डाइट किदा दी है, नींद किदा है, स्ट्रेस किदा है, किन्नी एक्सरसाइज करते हो, किन्ने बजे उठते हो, सौंदे हो, काम ते जाते हो, किन्नी मात्रा में कि चीज़ खाते हो, सारा कुछ पूछ के फिर उन्होंने डायबिटीज़ बारे गाइडेंस देते हैं कि तू किवें इसनों रिवर्स कर सकता है। और इस करके साडे पेशेंट्स साडे क्लाइंट्स विच इन्ना वधिया रिजल्ट आंदा है, चाहे जवान होए चाहे बुजुर्ग होए, सारे पेशेंट साडे कोल जिहड़े आंदे ने ओह डायबिटीज़ विच फायदा प्राप्त करदे ने, और उन्हां विचों कई तां डायबिटीज़ नूं जड़ तों खतम कर लैंदे ने। जिवें कि साडे कोल एक पेशेंट आए सी 28 साल दे, जिन्हां दी HbA1c 9.5% सी, सिर्फ 3 महीनियां विच 9.5 तों 4.1 HbA1c उन्हां दी हो गई। इसी तरह एक माता जी जिन्हां दी उम्र 60 साल थी, HbA1c 13.3% सी, और 3 महीनियां विच 13.3 तो 6.2% तो आ गए। दोवें पेशेंट्स की वीडियोस तुसी साडे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। इस तो अलावा केस रिपोर्ट्स अमेरिकन जर्नल विच पब्लिश भी हुई ने, वो भी तुसी साडी वैबसाइट पर जाके पढ़ सकते हो। सो यदि तुसी डायबिटीज़ में रिवर्स करना है, अपना खाना पीना सुधारो, अपना सोना उठना सुधारो, अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट बैटर करो, और एक्सरसाइज भी प्रॉपरली करो। उम्मीद करता है वीडियो तुहानू वधिया लगी होए। अगे की जानकारी तुसी लैना चाहते हो वो वास्ते सानू कमेंट करके जरूर दस्यो। थैंक यू सो मच।